अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अरीना का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बेसिकली एक ऑफिस मीटअप था ऑफिस की तरफ से, तो हम अरीना जा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड की तरफ से। ये हमें स्टेडियम रोड की तरफ पड़ेगा एक्सपो सेंटर से होते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपके साथ अरीना का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि हमें कैसा लगा वहाँ पर। हम अरीना जो है ये पहुँच चुके हैं। अरीना जो है वो बिल्कुल बराबर मैरीटाइम म्यूज़ियम के है। ये बराबर में मैरीटाइम म्यूज़ियम है और ये रहा अरीना। ऑफिस की तरफ से अलग से बुकिंग हुई हुई थी अरीना में, और गेम्स के वाउचर थे। चलिए, ये हमारा हॉल था जो बुक किया गया था, कोई भी नहीं पहुँचा था। और ये हम सारे फ्रेंड्स हैं, हमने बहुत इन्जॉय किया था, गेट टुगेदर हुआ था। और कुछ ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट्स थी, मीटिंग्स थी, और फिर हमने फूड इन्जॉय किया था। बहुत बड़ा बफे था। अब मैं आपको जो है फूड दिखा रही हूँ। फूड अरीना का कोई ख़ास नहीं था, इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, जबकि सैलड था, गोलगप्पे थे, चाट काउंटर था और डेज़र्ट काउंटर अलग से था। बाकी देसी डिशेस थी, चाइनीज़ था, सूप था, और इसके अलावा प्रॉन्स वगैरह थे, फ़िश थी, बारबेक्यू था, बिरयानी थी। बट मुझे जो सबसे अच्छा लगा था वो वहाँ पर टेम्पूरा प्रॉन्स था और लाहौरी फ़िश थी। और इसके अलावा चाइनीज़ में भी कोई ख़ास नहीं था टेस्ट वगैरह। अगर आप अरीना का बुफे बुक कर रहे हैं या वहाँ पर डिनर के लिए जा रहे हैं, तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप वहाँ पर डिनर जो है वो लें, क्योंकि फूड की जो टेस्ट था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था अरीना का। और डेज़र्ट भी कोई ख़ास नहीं था। डेज़र्ट मैंने शूट नहीं किया इस वीडियो में, बट ये कि डेज़र्ट भी कुछ ख़ास नहीं था, सिर्फ गुलाब जामुन ही अच्छे थे डेज़र्ट में। बाकी केक और पुडिंग्स वगैरह और हलवा वगैरह वो कुछ भी अच्छा नहीं था। ये सारी डिशेस थी जो अवेलेबल थी वहाँ पर। वाइट पास्ता भी अच्छा था। वाइट पास्ता मैं 7 out of 10 दूँगी। बाकी गेम से, फिर हम गेम्स एरिया में आ गए थे। हमें वाउचर दिए गए थे जिसमें से एक गेम अलाउ था हमें। ये बॉलिंग है जो कि बहुत रश था, और 1.5 घंटे की वेटिंग थी सिर्फ बॉलिंग पर। और अरीना की जो गेम्स की टाइमिंग है वो 11:30 तक है। काफ़ी सारे गेम्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि आप इस वीडियो पे देख सकते हैं। मैंने बास्केटबॉल गेम जो है वो खेला था, क्योंकि बॉलिंग खेला था पर वेटिंग इतना था, बॉयज़ जो है वो रुक गए थे बॉलिंग के लिए, बाकी हम गर्ल्स जो है वो चली गई थी घर। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।